हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैलेंज राधे उत्ता। आप लोगों का स्वागत है राधे उत्ता चैलेंज में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोपोर्शंस के। बात करेंगे प्रोपोर्शन दोस्तों होता क्या है। हम लोग रेशियो की बात कर चुके हैं, अब आया हमारा टर्म प्रोपोर्शंस। अब इसके डिफिनेशन जानेंगे और इसका जो भी क्वेश्चन होगा आईसीए के मटेरियल दे रहेगा वो सारे बातें इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो आप प्रोपोर्शन बहुत ध्यान से समझना है आपको, और इसके बाद प्रोपोर्शन है, फिर आपको अगले टॉपिक इंडिसेज आएगा, लॉगरिथम आएगा, जो जो आपको एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चन है सारे इसमें कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, प्रोपोर्शन पहले किसको कहते हैं, और अगर रेशियो चैप्टर जिसने नहीं दे रखा है तो प्ले लिस्ट में रखा हुआ है और लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिला है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रोपोर्शन किसको कहते हैं पहले वो जान लेते हैं, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या दिया गया है, डिफिनेशन की बात की जाए तो बोला है एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शंस। क्या बोला है, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो, मतलब दो रेशियो दिया होगा उनके बीच जो एक इक्वालिटी होगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शंस। तो अभी समझते हैं कि ये तो डिफिनेशन हो गया, अब किस तरह प्रोपोर्शन होता है, कैसे होते हैं, वो तो बताने ना आपको, ये तो बस अब क्या हो गया, डिफिनेशन हो गया। ओके दोस्तों, तो फिर आइए आपको मैं बताता हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊँगा कि प्रोपोर्शन किसे कहा जाता है। मान लो ये ए बाई बी इजकल टू सी बाई डी, लेट कर रहे हैं, जरूरत नहीं ए बाई बी और सी बाई डी लिखना है, एक्स वाई वाई उधर डब्ल्यू एक्स वाई वाई जेड लिख सकते थे कुछ भी। मान लो ए बाई बी और सी बाई डी हर मैथ में डिनोट करता है, तो ए और बी से ही करता है या सी डी से करता है, तो इसलिए अच्छा भी लगता है और ज़्यादा आपको रिपीटेड एक ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर पढ़ लेते हो तो फिर आपको उसी में मज़ा आता है। तो ये अब हम दोस्तों इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये भी तो जानना जरूरी है। हाँ, तो क्वेश्चन हमारे तो ऐसे तो आ गए नहीं, क्वेश्चन तो आएगा नंबर में आएगा और क्या क्या वैल्यू निकालना होगा। तो आइए, जो ए है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, क्या बोलेंगे दोस्तों, फर्स्ट टर्म। और बी हमारा क्या हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया। सी क्या हो गया हमारा, थर्ड टर्म हो गया। और ये डी क्या हो गया हमारा, फोर्थ टर्म हो गया। मतलब यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस में नंबर आएगा, मान लो यहाँ पर वैल्यू हो क्या, 5/9 इक्वल टू 6/8 मान लो ये होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, आप समझ गए होंगे ना दोस्तों। और ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। बस सीधी सीधी बात है, सिंपल है। ओके ओके, अब आइए आप, और एक और बात इसमें है, क्वेश्चंस करने से पहले आपको मैं बहुत सारे आपको बताने वाला हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस में जाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर अब हम ऐसे तो ए बाई बी इज कल सी बाई डी दे रखा है, क्या हम इसके बीच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसके बीच हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन से अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसे तो दोनों वैल्यू तो दे रखा है लेकिन बराबर होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बस समझा रहा हूँ। तो जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते ए डी इजकल टू बी सी, बिल्कुल ये आपका क्या आ जाएगा, ए डी इजकल टू बी सी। तो हम फर्स्ट और ये जो फर्स्ट टर्म है, ये जो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म के मल्टीप्लाई किया था ना, तो ये दोनों हम इसको क्या बोलेंगे, एक नाम इसके द्वारा एक नाम डिनोट किया गया जिसका हम बोल सकते हैं, इसको हम टोटली होल के बोलेंगे दोस्तों, इसको हम बोलते क्या, स्ट्रीम।
आपको क्वेश्चंस में भी आएगा कि ईटीओ क्या बोलते हैं, तो वहाँ पर कुछ सब एक्सट्रीम बोलते हैं, और जो बीसी है इसको हम क्या बोलेंगे, मींस और प्रोडक्ट, मींस और मीटर टर्म बोल सकते हैं, सॉरी प्रोडक्ट बोला गया, मीटर टर्म्स, ध्यान है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आपको ध्यान है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों फिर यहाँ से एक बात निकल गया था, क्या निकल गया था बात, कि प्रोडक्ट ऑफ डायटीजियम को क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस दिस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, क्रॉस प्रोडक्ट रूल, क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मींस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस और मिडल टर्म्स दिस इज ऑल, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, ओके, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। इतना बात आप सबको समझ आ रहा होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट रूल किसको बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस दिस इज कॉल्ड द क्रॉस प्रोडक्ट रूल। और मान लो एक और बात आती है, क्या बात आती है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ, मान लो ए बी सी ऑफ द सेम काइंड मींस इन सेम यूनिट आर, मतलब ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी, समझे कि नहीं समझे, मान लो आपको ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी, अगर जो सेकेंड टर्म होगा ना वो भी इक्वालिटी में आपको क्या देगा, बी इज टू सी, मतलब करके लिखे, यानी कि सेकेंड टर्म बाई थर्ड टर्म आपको देगा, तो वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, अगर सेम का सेम देगा तो देखिए वहाँ पर आपको क्या करना है, इसलिए इसको बनाया गया है डैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब बोले कैसे में बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आइए दोस्तों ए बाई इज इक्वल टू बी बाई क्या हो जाएगा सी, यही होगा ना, यहाँ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी डी होता था, लेकिन ये जो नंबर है ना क्या सेम यूनिट यानी सेम काइंड, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला बस यूज होगा, क्या होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई वर्क कीजिए, क्या जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यही बात आपको ये ऊपर में डायरेक्ट लिखा था, ओके बहुत सही तरह समझ रखे आप। तो इसी तरह हम आपको बताना चाहता हूँ कि हम इसको तो बी इज इक्वल टू रूट ए सी लिख सकते हैं ना भाई, स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा ना, वही बात लिखे हैं, आप समझ आ रहे हैं ना, तो आइए हम फिर एग्जाम्पल सब लिख दो करते हैं फिर आपको समझ आएगा। तो ये दोस्तों मैं आपको पहले क्या दिखाता हूँ, एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ फिर आपको मैं कॉपी में करके बताऊँगा। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर वन क्या लिखा है, द नंबर्स 2.4, 3.2, 1.52 आर इन प्रोपोर्शन बिकॉज दिस नंबर सेटिस्फाइड द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट एस्टिमेशन प्रोडक्ट ऑफ मींस, ये चार जो दे रखा है ना हम लोग का, ये अगर दोनों में क्या करें प्रोडक्ट एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मींस निकल दे, ये दोनों में क्या आपस में सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर आपको ये बताना है, ठीक है। दूसरी पर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मैं भी बताऊँगा सारे आपको, बस पहले एग्जाम्पल सबको ये तीन चार से बता दो फिर कॉपी में करके दिखाऊंगा आपको। फाइंड द वैल्यू क्या होगा, एक्स इफ एक्स वैल्यू किसका, एक्स का निकालना है 10/3 इज टू एक्स, ओके फिर प्रोपोर्शनल इक्वालिटी की चीज 5/2 इज टू 5/4, हमारे एक्स वैल्यू का फिर कैसे निकलेंगे हम बताएंगे अभी। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल 2/3, 3/7, 4 फोर्थ टर्म क्या होगा वही पूछ रखा है,
और ये एग्जाम्पल आप फोन देखिए, फाइंड द प्रोपोर्शंस टू 2.4 kgs और 9.6 है, थर्ड प्रोपोर्शन हमारा क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड का थर्ड क्या होगा, अभी बताता हूँ आपको। चलिए ये चार एग्जाम्पल आपको मैं अभी करके बताता हूँ। अगर जिसके पास बुक नहीं है तो जब भी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आप स्क्रीनशॉट जरूर कर लेना, ठीक है। अगर बुक है तो कोई बात नहीं। तो आइए एग्जाम्पल्स नंबर वन में आते हैं। एग्जाम्पल्स नंबर वन में क्या दिया गया था कि आपको चार टर्म दे रखा था, वो प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम किसको बोलते हैं, ए डी लिखा था, और बी सी बोलते प्रोडक्ट ऑफ पिंस, ये आपको ध्यान रखना है। तो उस ये दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या सेटिस्फाई बराबर आएगा नहीं, वो देख रहे हैं। तो हमारा नंबर क्या क्या देगा सर, नंबर दिया गया था 2.4, 2.4, 3.2, उसके बाद में 1.5, उसके बाद में 2 दिया था, हमारा ये नंबर दिया था। और बोला था प्रोडक्ट ऑफ एक्सचेंज को प्रोडक्ट ऑफ मिल। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम मतलब एडी इक्वल टू बी सी, ये है ना, तो एडी मतलब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। तो ए डी इक्वल टू बी सी बोला नहीं, तो ए डी मीन्स इससे हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2.4 से 2 में मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 2.4 इंटू 2 कितना आ रहा है, 4.8, मतलब 2.4 इंटू 2 इक्वल टू 3.2 इंटू 1.5, ये हमारा 4.8 आ गया, ठीक है, इक्वल टू। अब 3.2 इंटू 1.5 करेंगे, 3.2 इंटू 1.5 कितना आ रहा है, 4.8, मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है, समझ गया आप दोस्तों। एक क्वेश्चन आपको पूछा था ना ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपस में। तो चलिए एक एग्जांपल आपको ख़त्म, सेकेंड में आते हैं एग्जांपल। चलिए आइए एग्जांपल नंबर टू में। एग्जांपल नंबर टू में क्या हो रहा था हमारा, हाई इन द वैल्यू ऑफ किसका, फाइन द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपको ये दिया था कि फाइन द वैल्यू ऑफ एक्स इफ क्या क्या होगा, नंबर क्या दिया रखा दोस्तों, 10/3 कॉमा एक्स, मतलब इस टू भी कर सकते हो, और करो 5/2, उसके बाद में 5/4, सॉरी ये 5 है, ठीक है दोस्तों, एक से उधर बाद में डैश है, ओके। तो इसे हम करते हैं, मीन्स इसको अब प्रोपोर्शन की तरह 10/3 अपन में एक्स इजकल टू 5/2 इंटू 5/ होगा ना, बिल्कुल a/b अपन c/d, हाँ ओके। तो आइए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 10/3 डिवाइड बाई एक्स मीन्स 10/3 इंटू 1/x, ठीक है, आप समझ गए ना मैं किस तरह कर रहा हूँ। ऊपर में हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, x आ जाएगा ना, बिल्कुल इक्वल टू 5/2 इंटू 4/5, ये 5/2 तो था ही, और ये 5/4 मतलब ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ना, डिवाइड में था ना वो। तो चलिए अब आइए 10/3x कटने वाला होगा तो कटा देते हैं, ये 2/2 जब 4 हो जाएगा, ये 5/5 कट जाएगा, 5/5 भी कट गया, 2/2 मीन्स इक्वल टू बस ओनली क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आ जाइए फिर आपको करके दिखाते हैं, 3/2 = 6x इक्वल टू 10, इस x इक्वल टू 10/6, 2/5 = 10, 2/3 मीन्स हमारा आंसर क्या निकल गया, 5/3,
हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है, एक्स वैल्यू 5/3 आप देख से मिला सकते हैं। इसके पास बुक नहीं, कब अभी बोला था कि आप स्क्रीनशॉट कर लेना फिर आपको देखेंगे। ठीक है, एक्स इसका टू 5/3 आ गया। अब बात करते हैं एग्जांपल्स नंबर 3 के। एग्जांपल नंबर 3 में क्या दिया गया है, एग्जांपल नंबर 3 में आपको फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा था, तो आपको तीन दे रखा नहीं कर सकते हो, 2/3 दे रखा है, 3/3 कितना है 7 है और 4 है, और फोर्थ निकालना है क्या है, ओह कितना इजी। तो ये सोल्यूशन सीधा कर देते डायरेक्ट, सोल्यूशन 2/3 अपन में 3/7 इक्वल टू 4/D होता है ना, फोर्थ प्रोपोर्शन डी कर लिया मैं। ठीक है, तो आइए क्या आ जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई 7/3 इक्वल टू 4/D। ओके आइए, ये कितना जाएगा, इंटू जब 14 थ्री 9 इक्वल टू 4/D मीन्स, और डी इजिकल टू 36/14 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर इसको डिवाइड कर दिए। ओके, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये सीधा डिवाइड कर दिए, ये बीच में इजिकल टू ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रखा हूँ, यह बस ध्यान रखना। तो इसको हम अब क्या करेंगे, थोड़ा इसको उसमें क्या करते कट बना तो कटा देंगे, तो ये देख लीजिए 2 से 8 जाएगा, 2 से 7 मीन्स डिजिकल टू 18/7 ऐसे भी लिख सकते हैं आप। समझ गए दोस्तों, बिल्कुल समझ गए होंगे मुझे पता है। तो आते हैं एग्जांपल्स नंबर फोर। एग्जांपल नंबर 4 में क्या था, एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको था कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन बोला था ना, और 2 दे रखा है 2.4 kg और 9.6 kg, ये बोला है ना आपको फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। तो दोस्तों आपको पढ़ाया था एक फॉर्मूला, याद अभी आ रहा हो कि नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर बता रहा हूँ, b² = ac पूरा रखा था b², तो ये दे रखा है, b दे रखा है और हमारा थर्ड चाहिए ना, मतलब c चाहिए, तो आइए लगाइए इस फॉर्मूला पर वैल्यू कीजिए, बी को तो 9.6 है, 9.6 के आप क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल इक्वल टू एक मतलब 2.4 हो गया, हमारा सी निकालना ही है, और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.6 के वो स्क्वायर करते हैं 9.6 इंटू ना 92.16 और 2.4 क्या जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड कर दीजिए आ गया हमारा थर्ड प्रोपोर्शन 92.16 डिवाइड 2. कितना है 4 है ना, क्या रहा 38.4। आई सी वाला बुक वाला अपना आंसर मिला सकते हैं, आई सी वाला अपना बुक से मिला सकते हैं। ठीक है, तो आपको दोस्तों 4 आपको एग्जांपल्स में जो बुक में देखा था वो बता दिए, फिर आगे क्या है आगे भी मैं आपको आप प्रोपोर्शन के आपको मैं रूल बताने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ कि प्रोपोर्शन के रूल, आपको रूल जानना बहुत ज़रूरी है। बस ये तो आपको ये छोटे छोटे मतलब क्लास में भी पढ़ाए जाते हैं कितना निकालने के लिए प्रोपोर्शन, लेकिन अब जो आ रहा है ना वो आप ध्यान देना। दोस्तों एक और एग्जांपल दे रखा है 5th नंबर एग्जांपल, इसको भी आपको मैं करा ही देता हूँ, क्या लिखा है फाइंड द मीन्स प्रोपोर्शन बिटवीन कितना 1.25 एंड 1.0, जिसको मैं आपको करा दे रहा हूँ, फिर मैं प्रोपोर्शन के रूल बताने वाला रूल पढ़ूंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, ओके फिर आइए दोस्तों, तो आपको एक एग्जांपल्स नंबर 5 भी है ना, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। एग्जांपल्स नंबर 5, एग्जांपल आपको 5 यार मीन प्रोपोर्शन निकालना, और दे रखा है क्या क्या 1.25 एक दे रखा है और एंड 1.8 ये दे रखा है ना आपको, बोला मीन, तो मीन क्या होता है कि एडिशन का होता था बी सी, यानी मीन्स के बी सी होता था। ठीक है ना, बी और सी, तो ये दोनों का हमें क्या निकाला मीन निकालना है, मीन निकालने के लिए
इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1.25 इंटू कितना हो गया, कितना दे रखा है, इंटू 1.8। और फिर रूट निकाले हमारा क्या आ जाएगा, मिन निकल जाएगा 1.5। आ गया ना समझ में, इसको क्या करेंगे रूट में 1.25 इंटू 1.8 करें, मिन निकालने के लिए बोला है ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2.25 आएगा, फिर हमारा क्या आ जाएगा 1.5 आंसर। ठीक है, अब भाई आपको मैं बताना चाहता हूँ रूल, इसका रूल ये प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शंस, रूल ना कह के प्रॉपर्टी बोल देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शंस, प्रॉपर्टी आपको बहुत ध्यान रखना है और इजी भी है, ज़्यादा उसमें खास आपको हाथ नहीं है, बहुत इजी है, आप बस पढ़ते चलिए। प्रॉपर्टी कुछ बातें ऐसे हैं कि आपको मैं बता रहा हूँ, बस आप ध्यान रख कर पढ़िएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, पहले आते हैं कि जब इनवर्टेंडो आएगा तो और एडेंडो आएगा क्या क्या होता है उसमें, आपको कैसे डिनोट करना है। तो ये पहले बात आप करेंगे किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बात करेंगे। मीन्स अगर आपको दे रखा होगा ए बाई बी इजक्वल टू सी बाई डी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा आपको, यही होगा ना, ए डी इजक्वल टू बी सी, सीधी सीधी बात है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, पहला रूल था आपको प्रोपोर्शन की, ये हो गया सेकेंड रूल, आइए सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल आपको कहता है कि जब इनवर्टेंडो कहेगा तो इनवर्टेंडो, ठीक है, जब इनवर्टेंडो होगा क्या करेगा, तो आइए इसको भी समझते हैं। जब इनवर्टेंडो आ रहा मीन्स ए बाई बी इजक्वल टू सी बाई डी डियर आ गया होगा, तो इनवर्टेंडो हमारा क्या होगा, यही आप समझ रहे हो ना, इनवर्टेंडो मतलब इनवर्स, क्या बोलते थे, इनवर्स मीन्स ये बी है जो क्या जा जाएगा ऊपर चल जाएगा, और ये बी क्या चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, और ये क्या जाएगा नीचे आएगा, और सी हमारे नीचे जाएगा डी हमारे ऊपर जाएगा, इनवर्टर क्या होता है इनवर्स, एक हिसाब से इनवर्स ही हुआ था। तो सब में हर में एंडो एंडो लगा रखा होगा, इनवर्स आपको समझ रहे हैं मीन्स ये समझ गए। तो आपको इसको क्या हम लिख डिनोट लिखेंगे, बी बाई ए, सॉरी ये ज़्यादा बड़ा हो गया, इक्वल टू डी बाई सी, ये हमारा क्या हो गया इनवर्टेंड हो गया। तीसरा आता है रूल, इस प्रॉपर्टी तीसरा क्या है, अल्टर नेंडो, अल्टर नेंडो में क्या होता है दोस्तों, अल्टर अल्टर मतलब समझ गए ना, अल्टरनेट, ओ बिल्कुल अब समझ गए, ए डी सॉरी ए बी इज टू सी डी हो गया, मतलब अल्टरनेट मतलब ये जो ए यहाँ है, ठीक है दोस्तों, अल्टरनेट मतलब क्या होता है कि पूरा तरह उल्टा, अल्टर क्या होता है ये पूरे तरह से क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, मीन्स इसको कर लीजिए इसको कर लीजिए किसी भी कर लीजिए, तो मान लो मैं इसको कर दिया ए बाई सी और बी को ऊपर कर इधर कर दिया डी, समझ गए, ये हमारा क्या हो गया अल्टरनेट हो गया। तीन प्रॉपर्टियाँ पढ़ लिए, बहुत मजे मजे में पढ़ लिए, अब आते हैं फोर्थ, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, फोर्थ प्रॉपर्टी आपको आते हैं कंपोनेंडो, कंपोनेंडो, कंपोनेंडो में क्या है ये भी समझते हैं सारे, तो ए इक्वल टू ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, कंपोनेंडो में क्या कहते हैं दोस्तों, कंपोनेंडो में हमारा होता है क्या कि एड करना, तो एडेंडो नहीं है, एडेंडो भी आएगा, कंपोनेंडो मतलब जो हमारा नीचे का टर्म दे रखा है ना, आप ऊपर जाके क्या करना है प्लस करना है,
अब ऊपर में क्या करना है, प्लस करना है। जैसे आपको नहीं होगा तो मैं एग्जांपल्स भी साथ में दे देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर 5/6 होगा, 7/8 होगा, तो क्या अगर मल्टीप्लाई करें, आप समझदार समझ जाओगे। एग्जांपल्स भी आएगा जब क्वेश्चन करें, वहाँ पर बहुत सारे आने वाले हैं। तो हम इसको बस प्रॉपर्टी आपको समझना है, ये कॉम्पोनेंट होगा तो इसको हम कैसे लिखें। तो अब आइए इसको लिखकर क्या करेंगे, ए प्लस बी अपन बी, मतलब ये जो नीचे का टर्म उस पर क्या होगा, प्लस होगा, और सी प्लस डी इक्वल टू डी। ओके, ये हमारा क्या होगा, कॉम्पोनेंट हो गया। अब आते हैं आपको डिविडेंडो, क्या आता है दोस्तों, डिविडेंडो। अब डिविडेंडो क्या है दोस्तों, ये भी आप पूछोगे डिविडेंडो क्या है। बिल्कुल, तो आइए डिविडेंडो को समझाते हैं। इसमें भी वही बात लिखी, ए बाई बी इजकल टू सी बाई डी। डिविडेंडो मतलब क्या होता है, यहाँ पर कॉम्पोनेंट क्या होता है, प्लस हुआ था, अब डिंडो डिविडेंड क्या करेंगे, डिविडेंड में माइनस कर देंगे, माइनस बी अपन बी इक्वल टू सी माइनस डी है भाई डी। बिल्कुल समझ रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल समझ रहे हैं, कोई ऐसे इसमें है नहीं हार्ड के आपको नहीं समझ आएगा। अब आते हैं दोस्तों 6 नंबर रूल क्या है। आप बोलो कितने रूल है, आप नहीं एक और दो ज़्यादा है, 7-8 रूल है, 6 है, इसके बाद और तो पढ़ रहे हैं रूल, ज़्यादा नहीं है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या कह रहा है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, मीन्स ये दोनों का हमारा क्या कर रहा है, कंबाइन करके क्या हमारा वो प्रॉपर्टी निकल के आएगा, तो वो हम देखना चाहते हैं। तो आइए मैं डायरेक्ट भी लिखूंगा और आपको डिटेल्स में, तो डिटेल में पहले कर देता हूँ, डायरेक्ट लिखने से होता है। हमारा कंपोनेंट क्या था, ए प्लस बी बाई बी, और डिविडेंडो क्या है, ए माइनस बी बाई ए दोस्तों इक्वल टू सी प्लस डी बाई, क्या था, डी था, सी माइनस डी बाई टी, यही था दोस्तों, बिल्कुल यही था। इसको ऊपर ले जाएंगे तो कैसे होगा, ए प्लस बी बाई बी इंटू बी बाई ए माइनस बी, ऐसा ही होगा दोस्तों ना, सी प्लस डी बाई डी इंटू सी माइनस डी बाई डी, सॉरी डी बाई सी माइनस डी, सॉरी उल्टा कर दिया, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना, तो ये हमारा डी से डी कैंसिल होगा, बी से बी कैंसिल होगा, तो हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा निकल के आएगा दोस्तों ए प्लस बी बाई ए माइनस बी कल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये हमारा क्या हो गया, कॉम्पोनेंट या डिविडेंडो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा आपको कॉम्पोनेंट डिविडेंड की किस चीज़ डिड करते हैं, तो ऐसे आपको जब ऑप्शन आएगा तो टिक लगा देना, आपको ये करना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 7th प्रॉपर्टी भी आते हैं। 7th प्रॉपर्टी में क्या होता है दोस्तों, 7th प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखना आपको बहुत जरूरी है। तो आइए करते हैं, अब एडेंडो की बात आता है, क्या आता है एडेंडो, नाम से समझ, एड मतलब जोड़ना है, एंडो मतलब एक प्रोपोर्शन के हर टाइम में एंडो एंडो करके आ रखा है। ठीक है दोस्तों, एडेंडो में क्या होगा आप यही समझोगे ना, एडेंडो में क्या, तो मान लो ए बाई बी इजकल टू बी बाई सी इजकल टू, सॉरी सी बाई डी इजकल टू ई बाई एफ, ऐसे दे रखा है, डर कर लो, मतलब आप कह रहे हो, मतलब जितना भी टाइम आएगा ना सब क्या करेंगे, एक हिसाब से करेंगे, जिस तरह बताएगा आप प्रॉपर्टी, तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, कि डेंडो में जो भी ऊपर की चीज़ है ना आपको जो ए प्लस सी प्लस ई बाई बी प्लस टी प्लस एफ प्लस डरा, ऐसे करके डरा कर देंगे, मीन्स जो भी ऊपर के लाएंगे वो सब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, नीचे के भी जोड़ेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एडेंडो प्रॉपर्टी, यही कहता है प्रोपोर्शन में। तो अब आता है लास्ट प्रॉपर्टी आपको है, ये जो क्या है, सबट्रहेंडो, क्या है दोस्तों, सबट्रहेंडो। अब ये भी क्या है, सब मतलब समझेगा, सबट्रहेंडो सब्ट्रैक्ट,
आप समझ गए, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें बिल्कुल, ए बाई बी इजकल टू सी बाई डी इजकल टू ई बाई एफ इजकल टू डर करके इजकल टू मैं डर से करिए ए माइनस सी माइनस ई बाई बी माइनस डी माइनस ए, तो ये हमारा क्या हो गया, सब ट्रेंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एडेंड हो गया। इतना आप जरूर समझ। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे फिर आपको क्या आ जाएगा, समझ आ जाएगा। मेन तो ये है क्वेश्चंस कराने में भी आपको क्या आ जाएगा, समझ आएगा सारे। तो आज एक्सरसाइज नहीं करने, कम से कम एग्जाम्पल्स तो सारे ख़त्म कर दे रहे हैं ना। फिर उसके बाद में अगले लेक्चर में क्या कर देंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फिर उन्हें तो मेरा क्वेश्चन पर ख़त्म हो जाएगा। तो आइए दोस्तों फिर एग्जाम्पल में चलते हैं, एग्जाम्पल के सहारे लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो आइए एग्जाम्पल्स आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो पहले यहाँ पर आपको मैं समझा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको कॉपी में क्या करूँगा करके बताऊँगा, ठीक है। ओके आइए दोस्तों एग्जाम्पल्स नंबर टू लिखा होगा, क्या लिखा है कि इफ इफ ए बाई थ्री इजकल टू बी बाई फोर इजकल टू सी बाई, देन प्रूव डेट ए प्लस बी प्लस सी बाई सी। ओ भाई ए बी सी के वैल्यू दे रखा है, ये दो अगर नहीं प्रूव कर देना है बस, कोई नहीं अभी बताएंगे आपको। ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है ना एग्जाम्पल्स नंबर थ्री दे रखा है, ये आप सही से समझिए, ये आपको सही से समझना है, ठीक है। आइए क्या लिखा है, और डीलर मिक्सेस टी कॉस्टिंग कितना दिखा रहा है, 6.92 पर केजी, विद टी कॉस्टिंग रूट 7 पर केजी एंड सेल्स द मिक्सचर सब रू 8.80 पर केजी, और अर्थ प्रॉफिट कितना आ रहा है 70.12 ऑन हिज सेल प्राइस। ओके इन व्हाट प्रोपोर्शन डज इस मिक्स देम। तो चलिए मैं इसको आपको दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ और अच्छी तरह से आपको समझाने वाला हूँ। ये जो है ना क्वेश्चंस बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस है, ये आपको मैं बहुत सही समझाने वाला हूँ, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा, हर चीज़ आपको समझ आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो एग्जांपल मैं समझाने जा रहा हूँ बस दो, उसके बाद में एक्सरसाइज अगर होगा तो एक्सरसाइज हम अगले लेक्चर्स में कराने वाला हूँ, तो आइए करते हैं साथ में। तो एग्जाम्पल्स नंबर आपको लिखा था, एग्जाम्पल नंबर टू क्या के लिखा था ना, क्या लिखा था कि हम लोग का वैल्यू दिया गया था, इस चीज़ का वैल्यू दिया गया था दोस्तों, वैल्यू कुर्सी पर लिखा था एज बाई थ्री था ना बिल्कुल, इक्वल टू बी बाई फोर था इक्वल टू सी बाई सेवन था। तो हमारा प्रूफ क्या करना है, प्रूफ डेट टूडेट क्या था कि ए प्लस बी प्लस सी बाई सी इक्वल टू दो होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन सही है। तो आइए ए प्लस बी प्लस सी बाई सी दे रखा है ना, तो आइए ए कितना है थ्री है प्लस बी फोर प्लस सेवन बाई सी सेवन है, निकल के 14/7 इक्वल टू टू, यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ था ही नहीं आपको कि जब मैं आपको मैं बताऊँ, फिर भी बता दें जब बुक में दे रखा है तो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा जो एक लास्ट एग्जांपल है जो डीलर्स में जो कॉस्टिंग कॉस्ट दे रखा है, ये आपको प्रॉफिट और लॉस आप पढ़े होंगे चैप्टर्स, अब कितने में पढ़े हैं तो आपको अब सिलेबस अलग अलग होते हैं, 6, 7, 8 में जिसमें भी पढ़ो आपको वहाँ पर पढ़े रखोगे प्रॉफिट और लॉस, नाफा नुकसान बोलते हैं ना, मतलब फायदा और नुकसान, CP SP सब पढ़े वही चीज़ इसमें आपको कराने वाला हूँ, तो आप बस ध्यान से बने रहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर आइए आपको मैं बहुत इस बार तरीके से आपको बताने वाला हूँ ये क्वेश्चन, बार आप मेरे साथ आप रहिएगा बने रहिएगा लास्ट तक। तो आप क्वेश्चन जो एग्जांपल नंबर थ्री था इसके बाद आप क्वेश्चन जरूर सार चुके हो या स्क्रीन शॉट कर चुके हुए, तो मैं आपको एग्जांपल नंबर थ्री क्या इसमें क्या है, तो अब चलिए सोल्यूशन से एक बार बात करते हैं। पहले करेंगे लेट अस फर्स्ट एंड द CP मतलब कॉस्ट प्राइज है ऑफ द मिक्सचर्स, ऑफ द मिक्सचर इफ SP कितना होगा, तो इज रू एंड प्रॉफिट ये दे रखा है ना आपको,
इज 71/2% ऐसे ही दे रखा है ना। ओके तो आप एक फार्मूला पढ़ रहे हो दोस्तों, एक फार्मूला को पता है क्या पढ़ रखो है, सी पी इज इक्वल टू एस पी माइनस प्रॉफिट पढ़ रखे दोस्तों, बिल्कुल पढ़ रखे हो, आपको याद नहीं आ रहा है कोई नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तुम्हारा एस पी क्या होगा, शेयर का प्रॉफिट हमारा क्या है 70/1/2 मीन्स 100 - 35/2 ही है ना, मीन्स आप करो तो 165/2 आ जाएगा। यहाँ तक समझ रहे आप, बिल्कुल समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन साहब को दिया है इफ, याद रखा है क्वेश्चन साहब को यही दे रखा है कि इफ एस पी इज रू 8.80 दे रखा है ना, क्वेश्चन साहब ध्यान से देखें तो हमारा सी पी क्या हो जाएगा, सी पी फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला को देखिए, ये जो क्या निकला है, निकला है कितना 165/2, 165/2 इंटू 8.80/100 ये दे रखा है ना, बिल्कुल इसको हम निकालिए, इसको निकालिए 165 × 0.80/200 7.26 यार हमारा 7.26 अगेन। अब क्या करना है हमें, अब आपको सी पी निकल गया तो हमारा सी पी उधर मिक्सर्स कितना पर के जी हो गया, हमारा सी पी ऑफ द मिक्सर पर के जी रू 7.26 7.26 क्या हो गया 26। अब देखिए अब क्या होगा आपको, अब मुद्दा आते इस पर, तुम्हारा सेकेंड और डिफरेंस निकाला और फर्स्ट डिफरेंस निकाला, दो चीज़ करना है आपको। तो सेकेंड डिफरेंस में प्रॉफिट ऑफ सेलिंग वन के जी ऑफ सेकेंड काइंड एट द रू कितना है 7.26 मीन्स कितना हो गया आपका इक्वल टू रुपीज 7.77 - 7.26 यही है ना, कितना आ जाएगा निकल के 0.51 आ जाएगा। समझ रहे दोस्तों, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, आराम से समझ लें आपको। तो ये तो हमारा क्या लिखा है, रुपये में तो रखा है, हमारे क्या पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो 0.51 × 100 कितना आ जाएगा 51 पैसे आ जाएगा, रुपीज होता है ना पैसे में कन्वर्ट कर दिया। और फर्स्ट डिफरेंस क्या है हमारा, फर्स्ट डिफरेंस में निकालते हैं 7.26 - 6.92 रू कितना 0.34 आ जाएगा, इसको भी हम पैसे में कन्वर्ट करिए, रुपये से पैसे में कन्वर्ट करेंगे कितना है 34 पैसे आ जाएगा। अब हम रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो ही पूछा था ना, आ गया दोस्तों रेशियो निकाल लेते हैं 51/34 आ जाएगा। अब ये कटअप होगा तो कर देते हैं, बिल्कुल कितना आ जाएगा 3/2 मतलब 3/2 हमारा क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा, बिल्कुल आप समझे कि इसमें कुछ ऐसे आपको डाउट था ना जो नहीं समझ आए, बिल्कुल समझ आए। तो ये रहा हमारा प्रोपोर्शंस के कंसेप्ट और एग्जांपल पर ले, अब बच रहा है बस एक्सरसाइज और अगले लेक्चर में आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। जब तक ले यहाँ पर बने रहिए, हर चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, और अच्छा लगा तो आगे भी इसको शेयर कीजिए, और जो नए में सब्सक्राइब कर, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।